देख ली स्टूडियो वाले हाय फ्रेंड्स, एकता जैन हियर और आज मैं आई हूँ गणपति जी के पवित्र अवसर पर दीप शिखा जी के यहाँ। हाय, हाउ आर यू? गुड। सो जैसे आप देख रहे हैं मास्क मेरे हाथ में ही है, सोशल डिस्टेंसिंग, बट ये इतने सालों बाद मिलने का नतीजा होता है वो तो बनता है। और इस वक्त आजू बाजू हमारे कोई नहीं है तो इसलिए हम आराम से बात कर रहे हैं, इतने पास रह के बात कर रहे हैं। ये नज़दीकियाँ अच्छी लगती हैं। अच्छी लगती ना, कितना दूर है, इतना तो डिस्टेंस है और वैक्सीन ले चुके हैं। हाँ, वैक्सीन ले चुके हैं। अगर आपने नहीं लिया तो प्लीज़ रजिस्टर कीजिए और वैक्सीन लीजिए। तो दीपशिखा, सबसे पहले बताइए गणपति जी आपके लिए क्या मायने रखते हैं? गणपति जी तो सबके लिए बहुत मायने रखते हैं, लेकिन मेरे लिए मैं कहूँगी बहुत स्पेशल है। ये 19वां साल है जो गणेश जी मेरे घर पे हैं। मतलब भी आई एम बीइंग ब्लेस्ड कि हमें उनकी सेवा करने का मौका मिलता है और मैं चाहूँगी जब तक मैं ज़िंदा रहूँ ये सिलसिला चलता रहे। और ये मेरा नया घर है, मैं लॉकडाउन से पहले शिफ्ट हुई थी तो एक्चुअली देखा जाए तो पहले गणपति है। लास्ट टाइम लॉकडाउन में हमने इको फ्रेंडली मिट्टी से बना के विसर्जन किए थे। बट ये तो ना, पापा को धूमधाम से लेके आना, 5 दिन उनकी सेवा करना और विसर्जन करना है, पहली बार हो रहा है। सो आई एम वेरी हैप्पी दैट पापा इज़ हियर। एंड मेरे लिए ऐसा तो कोई घर में आने वाला है, कोई बड़ा बुजुर्ग आने वाला है तो कब से तैयारी चल रही है कि यहाँ पे ये होगा, यहाँ पे लाइटिंग होगी, यहाँ पे ये होगा। और जब आएंगे, आज आए हैं, कल रात को हम लेके आए, 5 दिन में ऐसा कर देते हैं जब विसर्जन होता है दशहरा तक खाली घर, खाली सूना हो गया, बहुत प्रॉब्लम होती है। बट आई लव के पहले मैं 1.5 दिन रखती थी बट शूटिंग के चक्कर में ज़्यादा तो रख नहीं सकते, सो धीरे धीरे ऐसे चलो 5 दिन, बच्चे बड़े हो गए वो भी संभाल सकते हैं। सो 5 दिन के गणपति है, 14 को मैं विसर्जन करूँगी। एंड मिरेकल है मेरी लाइफ तो जस्ट बिकॉज ऑफ हिम, दैट्स इट। नहीं, एक्चुअली अब बच्चे बड़े हो रहे हैं तो डेफिनेटली आप अपना जो कल्चर है वो उनको पास ऑन करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली उनको भी इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो हाउ मच इन्वॉल्व दे आर, मतलब कितना ज़्यादा मतलब हेल्प करते हैं आपको? इट्स 19th ईयर एंड मेरी बेटी 2 साल की थी तब से मैंने शुरू किया। मुझे अभी भी याद है बाल गणेशा फिल्म रिलीज़ हुई थी, मेरा बेटा 4 साल का था और उसे हम बहुत खुशी से मेरे बच्चे गणेश चतुर्थी मनाते हैं, उनको पता है डेकोरेशन होता है, लेके आते हैं। तो जब विसर्जन करने गए तो उसने बोला, मम्मा आप गंदे हो, आपने पापा को डुबा दिया, उसने मेरा जीना हराम कर दिया था और मैं उसको कैसे समझाऊँ, 10 दिन क्यों नहीं रह सकते। तो उसके बाद से मैंने 5 दिन रखना शुरू किया। ये पूरा डेकोरेशन मेरी बेटी ने किया हुआ है क्योंकि मैं तो शूट कर रही थी, ऑब्वियसली हेल्प को बुला के, मम्मा हम ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे। गणपति भी मैं सिलेक्ट करती हूँ तो उनको फोटो भेजती हूँ, फिर वो सिलेक्ट करते हैं और लकीली हम तीनों एक ही करते हैं, ऐसा नहीं होता थैंक गॉड, ने तो वो बोलेगा कुछ और। सो ऑल इन्वॉल्वमेंट माई चिल्ड्रंस लाइफ, वो फेस्टिव सीज़न चाहे वो दिवाली हो चाहे गणेश चतुर्थी हो, वो हमेशा इन्वॉल्व रहते हैं क्योंकि यही संस्कार हम पास ऑन कर सकते हैं। यस, और अभी जब लॉकडाउन चल रहा है तो अब इतने ज़्यादा लोग तो नहीं आ सकते हैं, तो हाउ आर यू प्लानिंग टू यू नो कॉल योर फ्रेंड्स और गणपति के दर्शन के लिए? माय फ्रेंड्स, आई एम नॉट फोर्स्ड एनीबॉडी, आई अंडरस्टैंड, पहले तो लोग आते रहते थे बट अभी जैसे कोई एक चार आ गए, कोई आज मैंने छुट्टी ली है शूटिंग से तो आज पूरा दिन मैं हूँ, कल मैं नहीं रहूँगी, मैं शाम को, तो वो आएंगे तो अगर रात को आएंगे अगर मुझे मिलना चाहते हैं पापा के दर्शन के लिए कभी भी आएंगे। विसर्जन में होगा थोड़ा कि मन लगेगा कि अरे यार सब आते हैं तो मज़ा आता, बट दैट्स ओके। मैं पापा को मेरे लिए, हमारी फैमिली और हमारे ब्लेसिंग के लिए बुलाती हूँ, फ्रेंड्स एंड वो आके ब्लेसिंग लेके जाते हैं। ये जिनको बुलाएंगे इनको कोई रोक ही नहीं सकता, एक्चुअली माता जी और ये गणपति बापा, जिसको बुलाएं जहां बुलाएं वहां जाना पड़ता है। ओके, तो अब आगे की प्लानिंग क्या है आपकी? आज का दिन तो सुबह, लाइक कल रात को मैं लेके आई, सुबह 7:30-8 बजे से मुहूर्त था, पूजा करके आरती करके ख़त्म करके एंड अभी शाम की आरती होगी 6:30-7 बजे। फिर मैं ना यहाँ बैठी रहती हूँ, ये एक ही दिन मुझे मिलता है कि आई कैन स्पेंड टाइम विथ माई पापा। बट आज मेरे 1.5 दिन के गणपति, 1-2 मेरी फ्रेंड्स के वहाँ, तो वहाँ पे भी चली जाऊँगी एंड वो मेरी फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो जाएगी, मतलब उनके पापा के भी दर्शन कर लूँगी। देन कल से तो मेरे बच्चों के हवाले हैं पापा, सुबह आरती करके मैं जाऊँगी शूटिंग पे, शाम को आऊँगी आरती करूँगी, बस ये सिलसिला चलता रहेगा, पूरा दिन घर में भजन चलता रहेगा तो एक अलग ही पायस सा माहौल हो जाता है।
ये एक्चुअली जो फेस्टिव सीजन होते हैं इंडिया इंडिया के, वो इतने अच्छे होते हैं कि आपकी वाइब्रेशन को एकदम एकदम राइज कर देते हैं और यू फील अमेजिंग. ये तो बात हम करना ही भूल गए कि मिठाई कितनी खाई अपने इस बार. बाप रे, पापा को मोतीचूर के लड्डू पसंद है. हमेशा मैं घर में बनाती हूँ लड्डू, बट इस बार टाइम नहीं मिला तो मिठाई तो पसंद है ही. मैं दूसरों को खिलाती हूँ, मुझे खिला देते हैं, बस यही चलता रहता है. और अभी अभी बर्थडे, ये मेरा 20 तारीख से जो बर्थडे शुरू होता है, केक, मिठाई, जन्माष्टमी, मेरे गली की ऐसी हालत हो जाती है. सो चलता ही रहेगा ये अभी दिवाली तक. वाह, तो मेंटेन कैसे करेंगे आप? आप मेरे साथ 6 बजे उठ के रोज नायका जाइए, ऊपर नीचे शूट कीजिए और वापस आइए, ऐसे पतले हो जाएंगे. नहीं, एक्चुअली वहाँ के जो रस्ते हैं ना, वो आपकी पाचन शक्ति के लिए बहुत अच्छे हैं, इतने हिलते डुलते. और मेरा घर का स्टेयरकेस देखा है ना आपने, ऊपर नीचे ऊपर नीचे करके. मेरा हम लोग जाकर के आए हैं, तो दैट्स हाउ इट इज. सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन. थैंक यू, अमेजिंग टॉकिंग टू यू. तो ये थी दीपशिखा जी, हमने इनसे बात की कि इनके यहाँ गणपति घर पे कैसे आते हैं, क्या क्या करती हैं, कितनी मस्ती होती है, कितना डिवोशन होता है. तो हम आगे चलते हैं, देखते हैं अब नेक्स्ट किसके घर जाने वाले हैं. बड़ी आस्था है कि जो हम आर्टिस्ट हैं उनको कहा जाता है कि उनकी शुरुआत गणेश से होती है, तो इसलिए जितने भी कलाकार हैं वो सबसे पहले गणपति जी की पूजा करते हैं और उसके बाद कोई भी चीज़ की शुरुआत करते हैं. वैसे भी ये प्रथम पूजनीय हैं, तो हर बार पहले इनकी पूजा होती है, उसके बाद कुछ और होता है. ये छोटी सी जानकारी थी, वैसे मैं नहीं जानती, आप सब लोग ज़्यादा कुछ जानते हैं, बट ये कर्म भूमि है मेरी महाराष्ट्र में, मुंबई में. तो यहाँ का सबसे बड़ा त्यौहार होता है गणेश उत्सव, बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है. और इसी उत्सव के साथ साथ हमारा त्यौहार भी एक आता है, पंजोसन. जो पंजोसन में हम शांति से आराम से हमारे उपवास करते हैं, सूर्यास्त से पहले खाना पीना फिनिश कर लेते हैं, अगले दिन सूर्य उदय के बाद फिर वापस खाना पीना शुरू होता है, या जो उपवास करते हैं वो तो कुछ भी नहीं खाते हैं. और जब इनकी चतुर्थी या हमारी जब पांचम होती है, तब उस दिन सबसे माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं मिच्छामि दुक्कड़म. तो मिच्छामि दुक्कड़म आप सभी को भी. और इसी तरह आगे बढ़ते रहते हैं, दो दो त्यौहार साथ में चलते हैं, लेकिन हमारा थोड़ा सा शांति से चले जाता है और इनके बड़े धूमधाम से आते हैं ढोल ताशे के साथ. लेकिन अभी कोविड के चक्कर में हर कोई मास्क लगा के, सब सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके आराम से करें. कल देर दिन के गणपति का विसर्जन हुआ, मैंने देखा बड़ी शांति से लोग अपने घर से छोटे छोटे गणपति लेकर के आ रहे हैं, बहुत ईजीली सबका विसर्जन हो गया, कोई टेंशन नहीं हुआ. बस यही प्रार्थना है कि प्रोटोकॉल फॉलो कीजिए सारे, कोविड के डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, सैनिटाइज कीजिए, मास्क पहनिए, वैक्सीन लगवाइए और बस इसी तरह गणपति जी से प्रार्थना कीजिए कि जल्द से जल्द कोविड खत्म हो जाए. आप सभी को एक बार फिर गणेश उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं. गणपति बाप्पा मोरिया. जैन, और आज मैं आई हूँ स्वप्नाक्षय मित्र मंडल मॉडल टाउन में, और इनका 41st ईयर चल रहा है गणेश उत्सव में, और मैं बहुत खुश हूँ. बिल्लू जी, सबसे पहले बिल्लू जी एंड बालाजी, सॉरी, मेरे आसपास दो ऐसे बॉडीगार्ड खड़े हैं कि मैं कंफ्यूज हो गई नाम में, आई एम रियली सॉरी. तो बालाजी, ये 41st ईयर है और इस बार का थीम कुछ बहुत ही प्रेरणात्मक और बहुत ही सुंदर है, तो क्या है इस बार का थीम? नहीं, ऐसा थीम है कि हम लोग 41 ईयर से हमारा सार्वजनिक गणेश उत्सव इसी जगह पे हम मनाते जा रहे हैं, और हर साल हमारा सोशल थीम के ऊपर ही ज़्यादा करके लक्ष्य रहता है. और इस बार भी हमने सोचा कि कोरोना का
बढ़ते जा रहा है, लेकिन हमारे महाराष्ट्र में ये कोरोना कंट्रोल में लाने के लिए हमारी सरकार और गणपति जी का ये बहुत बड़ा हाथ है कि गणपति जी के आशीर्वाद से हमारे महाराष्ट्र में मुंबई शहर में कोरोना का वैक्सीनेशन भी बहुत ज़ोर से हो रहा है और हमारे पेशेंट की जो संख्या थी वो भी कम होती जा रही है। तो ये गणपति बाप्पा की कृपा है। तो ये कृपा क्यों है कि हमारा महाराष्ट्र राज्य ये संतों का भूमि है, ऐतिहासिक भूमि है, लोकशाहीरों का भूमि है, संगीतकारों का भूमि है। तो ये महाराष्ट्र राज्य में ये जो संतों की भूमि है, ऐतिहासिक भूमि, इसमें संत जो थे अपने शिरडी के साईं बाबा जी बोलो, संत ज्ञानेश्वर बोलो, से बड़े बड़े संत यहाँ पे गाड़गे महाराज बोलो, गजानन महाराज बोलिए, फिर हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज, रानी लक्ष्मीबाई और फिर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जैसे लोग, और जो मतलब लोग ने बने के महान व्यक्ति थी, और इस महान व्यक्तियों के आशीर्वादों से, ब्लेसिंग से और गणपति बापा के आशीर्वाद से आज महाराष्ट्र राज्य में जो कोरोना जो बढ़ते जा रहा था उसको कहाँ ना कहाँ तो रोक मिली है। तो इसके लिए इनके आशीर्वाद के लिए ये थीम हमने यहाँ पे पेश की है। और जो मंदिर का डिज़ाइन है ये किसी पर्टिकुलर मंदिर का डिज़ाइन है? ये है कोई मंदिर का डिज़ाइन नहीं है, ये मंदिर और महल ये हमने मिक्स किया है कि महाराष्ट्र राज्य में जो हमारे फोर्ट है, फोर्ट है फिर ऐसे इस टाइप की मंदिर हमारे कोंडाना किला, हमने तानाजी पिक्चर आपने देखा रहेगा उसमें भी हमारा एक्सटीरियर जो है वो अजय देवगन फिल्म्स और उनके सहकारी शशिकांत डवले जी और बिल्लू जी इन्होंने सब ने मिल के एक्सटीरियर बनाया। वो भी मतलब आपने तोप देखे रहेंगे, ढाल तलवार ये सब तानाजी पिक्चर में आपने देखे रहेंगे, वो सेम तो दरवाजा भी देख रहे हैं वो तानाजी मूवी का है। तो हमने एक टीम बनाया अजय देवगन साहब की टीम ने और सब लोग ने मिलके एक थीम बनाई कि कोरोना क्यों रोका गया महाराष्ट्र राज्य में, क्योंकि ये ऐतिहासिक और संतों की भूमि है। यस यस, अब हम आपको पूरा इस मंडप का पूरा जायजा तो करवाएंगे, एक एक चीज आपको दिखाएंगे ही, और लेकिन अब सर आपसे पूछना चाहेंगे कि आप इसमें क्या सोचते हैं कि कितना मजा आ रहा है, कितने सारे लोग आ रहे हैं? जब हम लोग ने शुरुआत किए थे आज से 1.5 महीना पहले, जब बालाजी ने थीम, हम लोग सब मिलके थीम फ्रीज किया था इसको, तो बोले कि इतना बड़ा ऐसा थीम कैसा, मतलब हम लोग साकार कैसे करेंगे? सोच तो लिया कैसा, कोविड टाइम है, डोनेशन नहीं है, कुछ नहीं है, और डोनेशन मांगना भी गलत हो जाता है एक्चुअली, और इतना बड़ा करना है। तो तानाजी टीम से हम लोग ने बात किया, सुरजीत एंड शिवराम जिसने बाजीराव मस्तानी भी किया, तानाजी भी किया और काफ़ी बड़े मूवीज़ उन्होंने किया, तो शशिकांत धवले जो अजय देवगन जी का देखते काम, वो हमारे अच्छे मित्र हैं, तो उन्होंने बोला आप लोग फिक्र बिल्कुल मत करिए, पूरा थीम हम डेवलप करके आपको देते हैं। तो अजय देवगन जी के कंसर्न से उन्होंने बोला कि जो चाहिए इनको हेल्प, हमारे सेट का सारा कुछ दे दो, और इस तरह हम लोगों ने ये किया और लोग आ रहे हैं, लोग खुश होकर जा रहे हैं, वो हमारे लिए गणपति बप्पा जी का आशीर्वाद है कि लोग खुश हो रहे हैं। जानने चाहिए ऑफ कोर्स, अब हम सबसे पहले गणपति जी से वापस एक बार गुहार लगाएंगे कि जो कम हुए हैं नंबर वो एकदम खत्म हो जाए, तो एक बार फिर से बोलते हैं गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, उंदिर मामा की जय।